हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके क्रैश कोर्स पार्ट 5। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 101 से 125। तो हरियाणा की ये सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अभी आपको पता ही है, हर रोज़ नोटिस के ऊपर नोटिस आ रहे हैं। हम आपकी जीके से रिलेटेड भी आपकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ जो भी अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन होते हैं, HSSC की वेबसाइट से आते हैं या फिर कोई भी और नोटिफिकेशन आता है, तो हम हर इन्फॉर्मेशन आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो व्यूवर अभी तक हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, तो जल्दी से पहले रेड बटन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में हरियाणा में किसे जाना जाता है? तो स्मार्ट सिटी के रूप में हरियाणा में फरीदाबाद तथा करनाल को जाना जाता है। मुझे 25,000 बीघा जमीन नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। तो ये पंडित नेकीराम शर्मा का कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब आरंभ की गई? ये आरंभ की गई 8 मार्च 2015 को, गरीब कन्याओं के हितार्थ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, कैक्टस गार्डन के मुख्य आर्किटेक्ट डॉक्टर JS सरकारिया है, यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, तो यह कहाँ स्थित है? तो ये पंचकुला में स्थित है और प्रतिवर्ष 5 माह में कैक्टस शो आयोजित होता है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर देखो दोस्तों कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को इंटरलिंक कर रखा है, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चंस का आंसर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 ईस्वी में जींद जिले का राजा किसे बनाया? तो जींद जिले का राजा किसे बनाया? राजा गजपत सिंह को। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और ये किसी भी बुक में आपको ऐसे देखने से नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड बुकें हैं जिनमें से आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिसंबर 2003 में दिया गया? तो कालेसर पार्क को प्रसिद्ध पक्षियों के लिए, साल के वन के लिए। तो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये, एक तो प्रसिद्ध पक्षियों के लिए और साल की वन के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 107 नंबर, जींद जिले का कौन सा गांव का नाम पहले लोहा खेड़ी था? तो जो पहले लोहा खेड़ी गांव का नाम था उसका वर्तमान में नाम है गतोली, ठीक है दोस्तों। हरियाणा का लीला राम प्रसिद्ध है क्योंकि उसने क्या किया था, लीला राम ने, सभी जानते हैं इसको, राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक 1958 में जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में कब बनाया गया? तो 1981 में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एकमात्र है नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर, और जिसको बनाया गया 1981 के अंदर। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक जो ज्वार का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो सर्वाधिक करता है रेवाड़ी जिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 111, शेख तैयब का मकबरा व बाबा शाह कलाम की मजार कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कैथल के अंदर। शेख फकरुद्दीन व हाफिज जमाला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? पानीपत के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो उस समय कौन थे? कल्याण सुंदरम। और इनका टाइम पीरियड जो था वो था 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शीतला माता मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है? तो किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों मुगलाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, किस जिले में बन संतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये यमुनानगर में देश का पहला
हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ है? तो यमुनानगर के जगाधरी में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ है? यमुनानगर के जगाधरी में, सरस्वती शुगर मिल। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं? अगर पूछा जाए हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं तो वो कौन से जिले में हैं? यमुनानगर। उसके बाद है नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कब व कहाँ होगा? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले का है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कब व कहाँ हुआ? तो 18वें एशियाई खेलों का 2018 के अंदर हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कब व कहाँ होगा? तो 2022 के अंदर होगा, और कहाँ होगा तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में लिख के भेजिए इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल बबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो जंगल बबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ये है दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, अम्बाला से उर्दू में साप्ताहिक पत्र खैर संदेश की शुरुआत किसने की? तो अम्बाला से किसने शुरुआत की थी इसकी? राय बहादुर लाला मुरलीधर ने 1889 के अंदर। और साप्ताहिक जो पत्र था उसका नाम क्या था? खैर संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो इसका ऑप्शन आपको करनाल मिलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? महेंद्रगढ़। तो ये बहुत ही सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन है, जो बार बार गलत होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 122, प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन 123, हरियाणा में जातिगत व्यवस्था, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के मामले में हरियाणा को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो पांचवा स्थान प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? GOI अधिनियम। GOI का अर्थ होता है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा था? 1915। उसके बाद है सैयद फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो सैयद फजल अली आयोग का गठन किया गया 29 दिसंबर 1953 को, और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1956 में। तो इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को, और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1956 के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अपने कमेंट और सेक्शन आप अपनी राय भेज सकते हैं। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो इनकी PDF आपको 50-50 क्वेश्चंस की टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमने PDF छोड़ रखी है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक, अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं हमारे सैम एजु हब से, तो वहाँ पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।